हाय चेंज मेकर्स, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है, PSU है। उसमें इंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स आपके कुछ पोजीशंस हैं, उसकी हम आज लोग चर्चा करेंगे। तो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जो है बेसिकली एक तो PSU है जो कंज्यूमर अफेयर फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर। आप इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हो अलग से, बट मैं डायरेक्टली आप अगर यहाँ पे जाओगे डायरेक्टली यहाँ से भी वेबसाइट से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। एक करियर पोर्टल है एंड देन यहाँ पे आपको दिख जाएगा एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये है क्या। तो इनको 6 यंग प्रोफेशनल चाहिए, यंग और डायनेमिक, 3 साल के लिए, लाइक इनिशियल पीरियड ऑफ 3 ईयर्स 2+1, मतलब पहले 2 साल के लिए करेंगे फिर वो एक्सटेंड कर सकते हैं 1 साल के लिए। सबसे पहले है यंग प्रोफेशनल बिजनेस डेवलपमेंट। तो सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपका 0 वर्क एक्सपीरियंस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप जिनका 0 to 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस है, ज़्यादा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका स्टाइपेंड है वो अकॉर्डिंग टू वर्क एक्सपीरियंस है। सो सबसे पहले बिजनेस डेवलपमेंट के लिए 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो आपका, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो या मास्टर्स डिग्री हो, ठीक है, किसी में भी। इन्होंने अभी ऐसा इसमें बहुत स्पेसिफाइड नहीं किया है। MBA या फिर MBA आपका हो, स्पेशलाइज इन एग्री बिजनेस, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो अगर आपका मार्केटिंग, सेल्स और इसके अराउंड अगर आपका डिग्री रहेगा तो आई थिंक बेटर होगा। इसमें आपके कुल 3 पोजीशंस हैं, एक सांगली महाराष्ट्र के लिए, एक हुबली कर्नाटका के लिए, तमिलनाडु के लिए, 4 हैं बेसिकली, और तेलंगाना के लिए, ठीक है। तो यंग प्रोफेशनल बिजनेस डेवलपमेंट के लिए 4 पोजीशंस हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, दैट इज यंग प्रोफेशनल कॉमर्शियल, राइट। तो कॉमर्शियल में अगर आप देखोगे तो कॉमर्शियल का जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका फुल टाइम मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट इन इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, स्टैटिक्स या आपका लॉ हो, LLB या LLM फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, ठीक है। कॉर्पोरेट ऑफिस का कॉमर्शियल डिवीजन न्यू दिल्ली का पोजीशन है ये कॉमर्शियल में। सो आइदर आपका लॉ, आइदर मैनेजमेंट या इकोनॉमिक्स में से किसी में डिग्री है आपका 2 ईयर का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, मास्टर्स डिग्री चाहिए। एंड देन देर इज अ यंग प्रोफेशनल NBP NP। सो आपका 2 ईयर्स का जो मास्टर्स डिग्री अगेन इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट में, लॉ में, अगर कहीं से एस्थेटिक्स वगैरह में, सो न्यू बिजनेस प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग NBP NP का जो डिवीजन है कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली, यहीं पे इसका लोकेशन है न्यू दिल्ली में, तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये टोटल 6 पोजीशंस हैं। आप इसमें इन्होंने कोई सब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं किया है इनिशियली बिजनेस डेवलपमेंट में, तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वाले में इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट और लॉ वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। टर्म्स और रेफरेंसेस, कंडीशंस ये करियर पोर्टल का मैं दे दूंगा आपको डिटेल्स। स्टाइपेंड पे आते हैं तो 0 से 3 साल के एक्सपीरियंस वाले लोगों को 50,000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा और 3 साल से जिनका एक्सपीरियंस अधिक है उनको 60,000 कंसल्टेटेड होगा, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन अलग अलग दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। बिजनेस डेवलपमेंट वालों को बेसिकली वही जो बिजनेस डेवलपमेंट का काम होता है, मतलब आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट करना पड़ेगा, बिजनेस डेवलपमेंट करना होगा, रिलेशनशिप बिल्डिंग होगा, सेल्स मार्केटिंग पब्लिसिटी में काम करना होगा, ट्रेनिंग वर्कशॉप होगा, इस तरीके से बहुत सारे काम है। एंड देन कॉमर्शियल वालों के लिए भी सिमिलरली ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी हैं यहाँ पर, ये आपको हेल्प करेंगे आपको इंटरव्यू के लिए। एंड देन आप NBP अगर आप देखोगे उनके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। डिजायर्ड एट्रीब्यूट्स उन्होंने दिया, मतलब क्या क्या स्किल सेट आपके होने चाहिए। सो आपको बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आपको एग्रीकल्चर, रूरल मार्केट, कमोडिटी ट्रेडिंग, प्लेसिंग, फाइनेंस और इन सब का नॉलेज हो, अच्छा नॉलेज हो लोकल लैंग्वेज का जहाँ पे आप जा रहे हो। आपको पॉलिसीज, कंप्लाइंस और गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज वगैरह है उसका आपको होना चाहिए कॉरपोरेट के लिए, कॉमर्शियल के लिए, ठीक है। और NBP NP के लिए आपको बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसी कंप्लाइंस समझ में आनी चाहिए। 4 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है, रात तक को 12 बजे तक आप पहले 12 बजे से पहले आप कर सकते हो। अप्लाई करना है वहाँ पे आ जाते हैं, ये करियर पोर्टल है, ठीक है। आप यहाँ पे भी डायरेक्टली इससे पहुँच सकते हो, नहीं तो नीचे लिंक दिया है वहाँ से भी पहुँच सकते हो। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है सबसे पहले, रजिस्टर करने के बाद जो आपका ID जनरेट होगा उससे लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको अप्लाई करना। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो या पासवर्ड अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। पूरा अच्छे से इन्होंने दिया हुआ है ठीक ठाक तरीके से, बाकी ये गाइडलाइन दिया हुआ उन्होंने, इसको आपको पूरा पढ़ लेना चाहिए।
तो इस तरह के अगर आप और दूसरी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं तो आई थिंक ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। स्टाइपेंड इंडिया में हम लोग लगभग हर दिन एक अपॉर्चुनिटी के बारे में डालते हैं। तो अगर आप देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में और एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, इन सब में ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको इस तरह के दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का अगर आप देखोगे ये 33 यंग प्रोफेशनल का 30th सितंबर लास्ट डेट है, उससे पहले आप अप्लाई कर दीजिए। विलेज स्क्वायर फाउंडेशन का भी 30th लास्ट सितंबर लास्ट डेट है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए सोशल सेक्टर के, तो ये हमारा लिंक्डइन का जो है हमारा वो पेज है, जहाँ से आप डायरेक्टली हम अलग अलग गवर्नमेंट, PSU और उसके अलावा दूसरे सोशल सेक्टर के अपॉर्चुनिटीज़ को डालते रहते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली आप रीच आउट कर सकते हो, यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका कुछ क्वेरी है और आपको मेंटरशिप सपोर्ट चाहिए तो ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो हमें और हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। दूसरा, अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हो तो इस पर आप मैसेज करेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप चैनल से जोड़ देंगे। आप इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करिए, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जीरो वर्क एक्सपीरियंस भी है आपका, 35 ईयर का एज लिमिट है, तो बेटर होगा आपके लिए। कुछ भी रिक्वायरमेंट रहेगा आपको सपोर्ट का तो रीच आउट करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका क्या फीडबैक है, हमें और क्या सुधार करने चाहिए। डेफिनेटली वी वेलकम।